हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेमेंस किचन। पॉम्फ्रेट फ्राई की रेसिपी जितनी इजी है उतनी डिलीशियस भी होती है। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 पॉम्फ्रेट फिश। इसे अच्छे से धो के साफ कर लेना है। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वादानुसार ले लेंगे, 2 हरी मिर्च और सरसों का तेल 4 से 5 बड़े चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट में एक एक करके सारे सूखे मसाले हम डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए हमारा मिक्सचर अभी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को एक एक करके फिश के ऊपर कोट करते जाएंगे। इसे हाथ से अच्छे से कोट कर ले फिश को। इसके कट्स वगैरह जो भी हैं इस पे अच्छे से मसाला चले जाना चाहिए। और इसे हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत ही फ्राई करना है। बस ये तैयार है। एक पैन गरम कर लेंगे। अब इसमें तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा इस पे हरी मिर्च डाल देंगे और एक एक करके फिश फ्राई करना शुरू करेंगे। फिश को हमने मीडियम हाई फ्लेम या हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है। जब एक तरफ ब्राउन हो जाए तो इसे पलट देना है। पलटते समय आपको ध्यान रखना है कि टूट ना जाए। अभी दूसरी तरफ देख लेते हैं, ये भी अच्छे तरह से फ्राई हो चुकी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब हम चेक कर लेते हैं और ये तैयार है बिल्कुल। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह दूसरा फिश भी हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच से ज़्यादा न हिलाए नहीं तो वो टूट जाएगा। अब बस कुछ ही मिनटों में ये भी तैयार हो जाएगा और इसे अच्छे से गार्निश कर ले। बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल मिमीज किचन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।